स्थिति अर्थात मेरा भारत देश जिसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर है, हम उस भारत देश के नागरिक भारतीय हैं। नमस्कार, यहाँ पे बैठे सभी महानुभाव शिक्षकगण तथा विद्यार्थियों को मैं पूर्णिमा मिश्रा कक्षा 11 की छात्रा स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को अत्यंत बधाई देना चाहती हूँ और अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजादी क्या है? लाल किले पर तिरंगा और सड़कों पर भारत माता की जय और विद्यालयों में सिंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, क्या सिर्फ इतनी आजादी है? क्या सिर्फ इतनी आजादी के लिए उस 23 साल के सरदार ने तिरंगे बसंती गाते हुए अपने को फांसी पर चढ़ा दिया? क्या सिर्फ तो बस कपड़े के लिए ही नेताजी ने उसने तो आग दिख रही थी? क्या सिर्फ नोटों पर छपने के लिए ही बापू ने अपने सीने पे गोलियां खाई थी? अरे आजादी तो वो है जब पैरों को सालों से डर न रहे और सच को सवालों से। आजादी तो वो है जब सपनों की दरखत पलने से न डरे और न टूटी चप्पल डिजाइनर जूतों के बगल में चलने से। आजादी तो वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू न आए। बेखौफ जीना हमारा हक है और इसके लिए हम लड़ेंगे। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस थोड़ी दूर ही हमारी आजादी है, हमारी आजादी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह सीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ की गंगा, यहाँ की नदी नदी गंगा समान है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। हम मरेंगे, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी गंगा समान है। क्यों मरने कोशिश